चतरा में सक्रिय विकास के बाधक नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाते हुए उन पर नकेल कसने को पुलिस अब पोस्टर का सहारा लेने जा रही है। ग्रामीण और सुदूरवर्ती गांवों समेत आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में पोस्टर लगाकर पुलिस अब न सिर्फ नक्सलियों के घृणित कार्यों और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के अभियान की शुरुआत करने जा रही है, बल्कि पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इसको प्रगाढ़ करते हुए ग्रामीणों को सशक्त बनाने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले हर छोटे बड़े नक्सली गतिविधि की समय पर सूचना पुलिस तक पहुंच सके। इस बाबत एसपी ऋषभ झा ने बताया कि माओवादियों और अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। आईडी जो प्रभावित है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में आईडी लगाए गए हैं, जहां पर पहले भी पूर्ण विस्फोट की घटना हुई है, वो पोस्टर्स उस गांव में आसपास में चौक चौराहे पर चिपकाए जाएंगे, गांव में भी पोस्टर बांटे जाएंगे। इसमें ये दिखाया गया है कि जो माओवादियों के द्वारा ये बात बताया जाता है कि वो गाँव वालों के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ रहते हैं या फिर उनके जो भी काम रहते हैं, तो इसमें उसको उसके अगेंस्ट में हमने जो बातें लिखी हैं, जो हाल फिलहाल में चतरा में भी कई ब्लास्ट हुए हैं, उसमें कई मवेशियों के मारे जाने की भी बात आ रही है हमारे जिले के दो नौ। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।